नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 3, इच्छा देवी का वरदान। बच्चों, इच्छा देवी वो होती इच्छा देवी है जो सबकी इच्छा पूरी करती हैं, और यह एक नाटक है। इस नाटक में बताया गया है कि बच्चे कितने भोले होते हैं, वह अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, वह बड़ों की आज्ञा को नहीं मानना चाहते, परंतु बच्चों बड़े जो कहते हैं वह सत्य कहते हैं, हमेशा वह आपका भला ही चाहते हैं। आज हम इस नाटक के द्वारा सीखेंगे कि बड़े जो होते हैं वह हमारे भले के लिए क्यों होते हैं, है ना, क्यों कहते हैं हमारे भले के लिए। आज हम इस नाटक के द्वारा यही सीखेंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ एक नाटक की तरह है जिसमें बच्चों की मानसिकता पर प्रकाश डालते हुए यह समझाने का प्रयास किया गया है कि बच्चे मासूम एवं भोले होते हैं। बच्चों, ये बात सत्य है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत मासूम होते हैं, वो उनको हर चीज़ बुरी लगती है कि हमें क्यों रोक रहे हैं, क्यों टोक रहे हैं, हमें जो करना है करने दो। परंतु बच्चों, आज हम यही सीखेंगे कि बड़े जो होते हैं वे हमारे भले के लिए ही कहते हैं। बच्चों, इसमें 4 दृश्य दिए हुए हैं, तो आज हम पहले पहला दृश्य पढ़ने जा रहे हैं। पहले दृश्य में क्या होता है बच्चों, कुछ बच्चे एक पार्क में खेल रहे हैं। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। सबके चेहरों पर उदासी व परेशानी है। आज सबके चेहरे जो हैं उदास हैं, परेशान हैं, और आपस में बात कर रहे हैं। आपको देखो बच्चों, ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे हुए हैं पार्क में, ये पार्क का सीन है, सारे आपस में बातें कर रहे हैं। अब देखो क्या बातें कर रहे हैं, ये पढ़ते हैं हम, ठीक है बच्चों। हाँ जी, राहुल जो है वो कहता है, अरे दोस्तों, आज रामू काका ने भी हमें पार्क में खेलते हुए फटकार दिया। फटकारना मतलब डांट दिया। हाँ जी, फटकार दिया, फटकारना मतलब बेटा डांट दिया, इसको कहते हैं फटकारना। मतलब बच्चों डांटना, फटकारना का मतलब क्या बताया था अभी मैंने, डांट दिया, डांटना। कहा कि पार्क में कूड़ा करकट मत फैलाओ। बच्चों, ये बात सच है कि जब हम गंदगी फैलाते हैं तो अच्छी बात नहीं होती ना। गंदगी क्या करती है, बीमारी का घर होती है। चाहे वो घर हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे वो आपका कमरा हो, अगर हम कहीं पर भी गंद फैलाते हैं तो वो हमारे लिए ही नुकसान देता है बच्चों, है ना, वो हमें ही तो बीमार करेगा। जिसे देखो वह हम पर ही रोक लगाता है। अब बच्चे आपस में बोलते हैं, उनमें से एक राहुल कहते हैं कि सब पार्क वाले रामू काका ने भी हमें डांट दिया, और जो भी आता है वो हमें ही डांटता है। फिर प्रखर कहता है, हाँ मित्र, सही कह रहे हो, घर में माता पिता, विद्यालय में शिक्षक, और पार्क में माली, माली सभी हम पर ही रोक लगाते हैं, यानी हमें ही रोकते रहते हैं। फिर सोनल कहती है, मैं भी यही कहने वाली थी कि घर के सब बड़े हमें अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए कहते हैं, किताबें कापियां अलमारी में रखो, जूते रैक में रखो, सुबह शाम दांत साफ करो। अब हम छोटे बच्चे ही तो हैं, कितना करेंगे। अब बच्चों देखो, ये सारी आपने अच्छी आदतें पढ़ी हैं, है ना, पढ़ी है ना अच्छी आदत। अगर हम अपनी चीज़ें अपनी जगह पर रखेंगे तो इससे हमें तो फ़ायदा होगा, है ना। अगर हमें अपनी किताब ढूंढनी हो तो हमारी अगर जगह पर रखी हो तो हम वहाँ से आराम से उठा सकते हैं। अपने बैग, अपनी कॉपियाँ अपनी अलमारी में लगाने से हमारी अलमारी साफ़ रहेगी। जूते इधर उधर फैलाने से अच्छा है हम ही तो गिरेंगे अगर हमारे पैरों के नीचे आएंगे तो। इसमें क्या गलत है, माँ बाप तो हमारे सही के लिए कहते हैं, दांत साफ करोगे तो हमारा मुंह साफ रहेगा। लेकिन अभी आप छोटे हैं ना बच्चे, इसलिए वो समझ नहीं सकते, वो उनको लगता है कि सारा काम हम ही करने के लिए कहते हैं।
फिर मानुषी कहती है, हमें तो समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। फिर आरव कहता है, मेरे पास एक सुझाव है। सुझाव मतलब उपाय। हम सब इच्छा देवी के पास चलते हैं, वह हमारे और उसे अपनी समस्या बताते हैं। अब आरव ने क्या सुझाव दिया कि हम किसके पास जाएंगे? इच्छा देवी के पास जाएंगे, और इच्छा देवी के पास जाकर हम अपनी उनको सारी समस्या बता देंगे, अपनी प्रॉब्लम बता देंगे। तो बच्चे फिर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ चलो 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 माता इच्छा देवी के पास चलते हैं। अब बच्चों सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं और इच्छा देवी के पास चले जाते हैं। अब बच्चों इच्छा देवी के पास वो जा रहे हैं। ये हमारा पहला दृश्य क्या हुआ, ख़त्म हो गया। अब पहला दृश्य ख़त्म होने के बाद अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। देखो बच्चों, पहले दृश्य में क्या था कि सब इच्छा देवी के पास इकट्ठे होकर चले जाते हैं, और दूसरे दृश्य में इच्छा देवी अचानक से प्रकट होती है। अब बच्चे जा रहे हैं और अचानक से क्या हो जाता है, इच्छा देवी आ जाती है। इच्छा देवी, अरे आप सब बच्चे क्यों उदास हैं? और वो कहते हैं, आप सब उदास क्यों हैं, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अब इच्छा देवी बच्चों से पूछती है, क्या कोई परेशानी है? अब उनमें से एक राहुल जो नाम का बच्चा होता है वो कहता है, देवी जी हाँ हम सब बहुत परेशान हैं। अब जो राहुल है वो कहता है, हम सारे बहुत परेशान हैं, सब बड़े हमें आज्ञा और हम पर आज्ञा और आदेश देते रहते हैं। अब बड़े तो होंगे भाई, अपनी बात कहेंगे। तो वो कहते हैं, राहुल कहते हैं, सारे बड़े हमें ही तो आज्ञा देते हैं और हमें आदेश देते रहते हैं, हम सब तो अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहते हैं। बच्चों जो वो है ना, कौन, राहुल कहते हैं कि हम सारे बच्चे परेशान हो गए हैं, है ना, हम अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहते हैं, आप हमें ऐसा वरदान दें कि हम अपनी मनमानी करें। अब मनमानी बच्चों अपने मन की करें। अब देखो, अब ये इच्छा देवी है और ये बच्चे इच्छा देवी से कह रहे हैं कि हमें ऐसा वरदान दो कि हम अपनी मर्ज़ी से काम कर सकें, है ना, कोई हम पर आज्ञा ना दे, कोई हमें दबाव ना डाले काम करने का, हम अपनी मर्ज़ी से कार्य करें। सब बच्चे एक साथ, हाँ देवी कृपया करके मनमानी का वरदान दे दो। अब बच्चे सब कहते हैं, हमें हमारी मनमानी का वरदान दो। फिर इच्छा देवी कहती है, अवश्य मैं तुम्हें मनमानी करने का वरदान दे सकती हूँ, कोई तुम पर हुक्म नहीं चलाएगा, ठीक है। अब इच्छा देवी उनको वरदान दे देती है कि जाओ, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे ऊपर कोई भी अब हुक्म नहीं चलाएगा। वरदान लेकर तुम मेरे पास कभी भी शिकायत करने मत आना। अब कहती हैं, मैं तुम्हें वरदान तो दे दूँगी लेकिन तुम मेरे पास शिकायत लेकर मत आना कि मैं अपना वरदान वापस ले लूँ। अब इच्छा देवी सही कहती है, भाई तुम मेरे थोड़े दिन बाद मेरे पास आओगे कि भाई हमें जो वरदान दिया था उसे वापस ले लो। फिर बच्चे एक साथ कहते हैं, ठीक है आप हमें वरदान दो कि हम पर कोई भी बड़ा अपना आदेश न चलाए। तब इच्छा देवी कहती है, तथास्तु मतलब तुम्हारी मन की इच्छा पूरी हो। तथास्तु कह के इच्छा देवी जो है वो चली जाती है। अब बच्चों देखो, तीसरा दृश्य शुरू करने से पहले हम पहले दोनों दृश्यों के बारे में जानेंगे। देखो बच्चों, जो इच्छा देवी है, पहले दृश्य में क्या सीखा था हमने कि बच्चे जो हैं वो आपस में पार्क में इकट्ठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें बड़े हम पर हुक्म चलाते हैं, आदेश चलाते हैं, है ना। फिर सारे दोनों सब बच्चे इकट्ठे होकर किसके पास जाते हैं, इच्छा देवी के पास। अब दूसरे दृश्य में कौन आ जाती है, इच्छा देवी आ जाती है। अब इच्छा देवी उनको उनकी मर्ज़ी से काम करने का वरदान दे देती है और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं।
है ना, कि हम अपनी मर्जी से जो मर्जी करेंगे, अब हम पे बड़े आदेश नहीं चलाएंगे। लेकिन बच्चों, इच्छा देवी उसे उन्हें बच्चों को क्या कहती है कि कभी मेरे पास यह शिकायत लेकर मत आना कि अपना वरदान वापस ले लो। समझ में आया बच्चों दोनों दृश्य? अब हम तीसरा दृश्य दूसरे भाग में पढ़ेंगे। आज हम इतने ही दो भाग पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है? और इसमें से मैं प्रश्न पूछूंगी, आप मुझे उसके उत्तर देंगे। तो अभी हम भाग दो तक ही पढ़ेंगे, बाकी भाग तीसरा कल पढ़ेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।